हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जस्ट मुझे कंफर्म कीजिए, हम जस्ट स्लोली स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके गुड, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो धन्यवाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया यहाँ पर। हम स्लोली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे शायद। ओके राइट, चलिए। ओके गाइस, तो चलिए हम स्लोली स्लोली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा थर्ड वेबिनार है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर। तो ये हमारा वेबिनार नंबर 3 है। हम अभी तक 2 वेबिनार कर चुके हैं। 4 वेबिनार की ये सीरीज है जो मई महीने में हमने करी है। तो एवरी थर्सडे हम कर रहे थे, और जो नेक्स्ट वेबिनार होगा वो आपका 31 मई को होगा, जो ट्यूजडे को होगा। और हम अभी तक 2 वेबिनार कर चुके हैं, और लास्ट वाला होगा आपका हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर। तो जस्ट यहाँ पर टिकमिल के बारे में, क्योंकि टिकमिल ने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो उनका एक एक्सटेंशन किया हुआ है कि रिबेट्स के लिए अगर आप और भी जितना ट्रेड करेंगे तो उसमें से आपको जो भी स्प्रेड होता है उसमें से आपको रिबेट का हिस्सा दिया जाएगा। उसको इन्होंने डेडलाइन को और बढ़ाया हुआ है। तो अगर आपका अकाउंट है पहले से यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अकाउंट खोल सकते हैं। और चलिए जस्ट यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो जस्ट उसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए है और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने बताया, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी हमने कैटेगरी की हुई है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, हार्मोनिक, जो भी हम यहाँ पर टेक्निकल की बारे में बात कर रहे हैं, इन सभी को हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। और कई सारे टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है, ऑलरेडी कर चुके हैं, और आने वाले वेबिनार्स में भी हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो आज मेन टॉपिक है हमारा, वो प्राइस एक्शन में हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लो में चलेंगे, कुछ फिर चार्ट में भी देखेंगे, और इन दी एंड आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप वहाँ पर एंड में सेशन में वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या समझते हैं आप इससे? तो मुझे कुछ बताइए, चैट में बताइए क्या समझते हैं, क्या है आपके लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? थोड़ी देखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, ताकि पता चल सके कि आप कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, हम एक जगह पे हैं या नहीं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जस्ट कमेंट में बताइए कोई भी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपके लिए क्या है, क्या चीज आती है आपके लिए। No comments. Okay, so then support means buying area, resistance, high selling. Okay, crucial area on chart. बिल्कुल ठीक है। ये चीजें मैं जानना चाह रहा था कि जो आप बताना चाह रहे हैं कि रेसिस्टेंस ये कहाँ पर आपकी, चलिए एक सिंपल भाषा में इसको कवर करते हैं, जस्ट पुटिंग इन अ सिंपल वे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ क्रिएट करने में। बॉटम एंड सेलिंग, बिल्कुल ठीक है हनुमान जी, आपने जो भी बोला, जिन्होंने भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक बोला है। चलिए सिंपल वे में पुट करते हैं। जस्ट मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई बिल्डिंग है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई बिल्डिंग है ठीक है, उसमें डिफरेंट फ्लोर्स ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मतलब क्या समझते हैं? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर इस जगह पे हूं, तो मेरे लिए जो लेवल है, जो नीचे का लेवल है, ये मेरे लिए सपोर्ट, और जहां तक मैं जा सकता हूँ उस फ्लोर पर, अगर ये फर्स्ट फ्लोर है तो ये मेरा जो ऊपर की जो रूफ आप कहें, ये मेरे लिए एक्सटेंशन है, और जो मेरा ग्राउंड है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा सपोर्ट है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जस्ट सिंपल भाषा में कि जहां पर मैं हूँ ये मेरी सपोर्ट है, नीचे का लेवल का एरिया है, और जहां तक मेरी एक्सटेंशन, अगर मैं जा सकता हूँ, अगर कुछ होना चाहूँ तो ये मेरी एक्सटेंशन है, ये रेसिस्टेंस आप कहना चाहें। तो ये एक एरिया है उस फील्ड का या उस कमरे का, जो भी आप कहना चाहें। अगर मैं इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो अब जो मेरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो पहले ये जो मेरी रेसिस्टेंस थी, अब मेरे लिए ये सपोर्ट बन जाएगी। तो अब जो मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये जो फर्स्ट फ्लोर, अब ये मेरा ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा। ये जो आपका, आप हैं फर्स्ट फ्लोर पर, आप सेकेंड फ्लोर पर, और अब जो लेवल है आपका, जो पहले आपकी रेसिस्टेंस थी, वो अब आपके लिए क्या हो जाएगी, अब आपके लिए सपोर्ट हो जाएगी। और अगेन जो आपका टॉप का एरिया है वो आपकी अगेन रेसिस्टेंस बन जाएगी। तो नाम इस तरीके से चेंज होते जाएंगे। तो रेसिस्टेंस आपका टॉप का एरिया,
और डाउन का जो एरिया हुआ वो आपका सपोर्ट। तो जो एक रेंज आप कहें कि मार्केट उस रेंज में है कि वहां तक मार्केट जा सकती है, जब भी इसको ब्रेक करेगी फिर आपकी नई सपोर्ट या रेसिस्टेंस होगी और इस तरीके से नाम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, अगर ये इसको भी ब्रेक करती है तो अगेन ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगी और फिर आपको ऊपर का जो एरिया है वो आपका रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो जो पहले रेसिस्टेंस थी वो सपोर्ट हो जाएगी, जो सपोर्ट थी वो रेसिस्टेंस। इस तरीके से आपके नाम चेंजेस, जिस तरीके से आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, इसी तरीके से आप नीचे की तरफ देखना चाहें तो आप इसको भी इसी तरीके से सेम समझ सकते हैं। जस्ट आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए क्या होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होती है। तो यही यहाँ पर आप चार्ट को देख सकते हैं, या जस्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉइंग कर दिया, नहीं तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया, यहाँ से मार्केट प्राइस आपका सेम इसी एरिया में यहाँ पर घूम रहा था। अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा यहाँ पर हाईलाइटर लेजर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी सपोर्ट रेसिस्टेंस प्राइस यहाँ पर चल रहा था, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो जो पहले रेसिस्टेंस थी वो आपके लिए अब सपोर्ट बन जाएगी और जो ऊपर के लिए लेवल है आपके लिए रेसिस्टेंस बन जाएगी। जिस तरीके मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल बताया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कौन सी सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा प्राइस कहाँ पर वो स्टे करेगा, कौन सा जंप करेगा, इसका किसी को कुछ आइडिया है, कुछ आपके माइंड में आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्राइस स्टे करेगा या यहाँ से जंप करेगा, या इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर मुझे कमेंट में बताया, अगर कुछ आइडिया है। मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन, ओके बनेश, बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और कोई जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं और क्वेश्चन जो होंगे हम एंड में लें, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन भी होंगे। पर अभी जब आप मेरे साथ बने रहिए, जो भी हम इस टॉपिक पे हैं उस स्लाइड पे हैं, आप वहां पर आंसर दीजिए जो मैं इंटरेक्शन आपसे चाहता हूँ, और इन दी एंड अगर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम एंड ऑफ द सेशन लेंगे, आप वहां पर पूछ सकते हैं। रिटेस्ट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक पॉइंट है। चलिए यहाँ पर मैं आपको और क्लियर और सिंपल करते हैं इस चीज को, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। मैं काफी एग्जांपल ये बार बार रिपीट भी किया हुआ, अगर आपने कभी सुना भी। मान लीजिए तीन जगह में, एक 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 हमारे पास यहाँ पर, हम एक पेन ले लेते हैं, अलग कलर का ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको येलो ले लेते हैं। तीन चीजें हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका, यहाँ से एक कोई कार, ठीक है, हम मेरी ड्राइंग को एक्सक्यूज कीजिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो कोई कार है वो चल रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली चीज जो आती है उसके पास स्पीड ब्रेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है जो जो उसको जाना है। ये हुआ आपका एक रास्ता, फिर वो आगे जाती है। दूसरा पॉइंट उसके लिए क्या है, वहां पर एक रेड लाइट है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये आपकी रेड लाइट। और तीसरा, जब वो आगे जिस तरीके से प्रोग्रेस करती जाती है, कुछ यहाँ पर पुलिस वालों की चेकिंग चल रही है, ठीक है। अब उसको तीनों रास्ते से जाना है, यहां से भी जाएगी, फिर दोबारा इस तरीके से और इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि कौन से पॉइंट पर उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जहां पर उसको ज्यादा रुकना पड़ेगा, पहले पॉइंट पे या दूसरे पॉइंट पे या तीसरे पॉइंट, नंबर थ्री पे, बिल्कुल ठीक है मनोरंजन जी। तो सिंपल, जैसे आपको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना, ऑब्वियसली बात है, जब वहां पर स्पीड ब्रेक पड़ जाएगी आप स्पीड को स्लो कर लेंगे और फिर उसके बाद अगेन स्पीड बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड नहीं होगा। दूसरा, रेड लाइट पे कितना टाइम आप 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 50 सेकेंड इतना रुक सकते हैं, और जब पुलिस चेकिंग, उन्होंने अपने आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, उनको रोकना है, साइड में लगाओ कार, वो 5 मिनट भी हो सकती है, 10, 15 या 20 मिनट, जिस तरीके से प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कहाँ पर उसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, नंबर थ्री पर। तो यहाँ पर जितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, अब दोबारा जब जाएंगे, अब मान लीजिए आपके पास दोबारा कार है, दोबारा रास्ता है, आपके माइंड में जो मेमोरी होगी वो कौन से पॉइंट की होगी, नंबर वन की, नंबर टू की, या नंबर थ्री की, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा? नंबर थ्री ऑब्वियसली मैं कहना चाहूंगा, और आप भी एग्री करेंगे कि हाँ आपको पता था वहां पर पुलिस चेकिंग हुई है, डॉक्यूमेंट्स पूरे साथ रखने, अगर नहीं है तो अवॉइड करेंगे उस रास्ते को या फिर कहीं और से जाएंगे अगर नहीं है आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो उस पॉइंट की आपके पास मेमोरी बनी। सेम चीज ही मार्केट में भी अप्लाई होती है। जब मार्केट, अगर मैं इसको हटा देता हूं, मैं यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा जो व्हाइट बोर्ड आपको दिखे, क्या आप मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? यस यस,
ओके तो हमने तीन पॉइंट बात करें यहाँ पर मेमोरी की। तो सेम यहाँ पर हम अगर चार्ट की बात करें, यहाँ से कार चली हुई, एक यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आया, दोबारा गाड़ी नीचे, दूसरा यहाँ पर लाइट थी तो यहाँ पर उसने क्या हुआ, ओवर टाइम स्पेंड किया 30-40% और फिर नीचे, तीसरा यहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो यहाँ पर अब ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो, तो दोबारा से जब मार्केट वहां पर जाएगी रिट्रेस करेगी तो कौन सी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी, पहली दूसरी या तीसरी, जस्ट अब चार्ट के सिनेरियो से इसको देखिए, जो मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया था अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है दिनेश जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो हमने यहाँ पर उसने ज्यादा टाइम स्पेंड, कहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर कितना स्पेंड किया, बहुत कम, यहाँ पर कितना स्पेंड किया, कौन, तो जहां पर ज्यादा उसने टाइम स्पेंड किया होगा दोबारा फिर यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है कि दोबारा से फिर मार्केट या तो नीचे जाए या फिर इसको सॉलिडली ब्रेक करे। अब यहाँ पर एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको, इन सबको हटा देते हैं, अब मुझे ये बताइए चलिए कि कौन सी सपोर्ट या रेसिस्टेंस होल्ड करती है और कौन सी ब्रेक करेगी, इसका किसी को कुछ आइडिया, ये क्वेश्चन अभी मैंने पहले ही पूछा था। ओके चलिए कोई आइडिया नहीं, चलिए जिन्हें है भी है कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए क्या सभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होल्ड करती हैं या सभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकती है, एक और क्वेश्चन चलो डिफरेंट तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, क्या सभी होल्ड करती हैं, होल्ड करती हैं या सभी ब्रेक करती हैं या कुछ होल्ड करती हैं कुछ ब्रेक करती हैं, बहुत ओके चलिए यहाँ पर इसको और क्लियर करते हैं, मुझे ये बताइए मान लीजिए एक और सिंपल, जितना मैं सिंपल रखता हूँ एग्जाम्पल सिंपल रखता हूँ ताकि आप कोड अच्छे से इसको समझ सके, मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है इस तरीके की वॉल है, पैरेलल वॉल है, ये इसकी थिकनेस है, ये एक और वॉल है ठीक है जिसकी थिकनेस इतनी है, अब मुझे बताइए कौन सी वॉल को ब्रेक करना इजी होगा, नंबर वन की या नंबर टू की, नंबर वन की इजी होगा, अब यहाँ वॉल से लग रहा है कि नंबर वन को ब्रेक करना इजी होगा, अगर यहां से प्राइस जा रहा है जो भी है इस तरीके से गया ब्रेक कर सकता है इजी है, इसी सेम तरीके से यहाँ पर वो स्ट्रगल करेगा, पर क्या दूसरी वॉल को भी ब्रेक करना मुश्किल है या वो ब्रेक होगी या कब ब्रेक होगी, उसके लिए क्या चाहिए होगा, पॉसिबल है पर उसके लिए क्या चीज चाहिए होगी, स्पीड वॉल्यूम, ये चीज है मैं जो सुनना चाह रहा था ठीक है ना, ये भी ब्रेक हो सकती है ये भी ब्रेक हो सकती है ठीक है ना, यहाँ पर अब वो फोर्स आपको चाहिए होगी, अगर इसको ब्रेक करना है वॉल ये भी ब्रेक हो सकती है क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा 40 जस्ट नंबर में दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर 40 की फोर्स है यहाँ पर 40 की फोर्स है, इसने इसको तो ब्रेक कर दिया पर यहाँ पर 40 से ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर क्या फिर आपको 80 या 100 इससे ज्यादा की फोर्स होगी फिर ये ब्रेक ये भी हो सकती है, पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उसको वॉल्यूम कहें हाई वॉल्यूम कहें पावर कहें कितनी तेजी से वो निकल रही है मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है तो वो भी ब्रेक हो सकती है, पर ये इजी है ये थोड़ा मुश्किल है, अब डिपेंड है इसके लिए कि उसके पास कितनी ताकत है कितनी फोर्स है, अगर वो इसको ब्रेक करेगी और जितना फोर्स ब्रेक करेगी फिर अगेन चांसेस दोबारा है कि जब मार्केट यहाँ पर आएगी फिर वो मेमोरी दिमाग में होगी उसने कितनी तेजी से उसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पर कुछ जो थे कुछ बायर या सेलर जो भी थे उन्होंने ब्रेक किया था वो दोबारा फिर यहाँ पर होंगे और उसको फिर दोबारा थे किसी एक या दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, पर यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया है कि जो वॉल है इसकी मेमोरी बायर या सेलर के माइंड में हमेशा रहती है, जैसे मैंने आपको कार के एग्जाम्पल से बताया। चलिए हम अपने डेक में चलते हैं दोबारा से, तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस अब जैसे मैंने बताया थिकनेस कैसे डिपेंड करता है उसी के हिसाब से यहाँ पर ब्रेक करती है, अब आगे चलते हैं, अब क्या क्राइटेरिया है कि जो हमें सपोर्ट या रेसिस्टेंस के लिए चाहिए होगा, ये क्वेश्चन शायद मैं पहले ही पूछ सकता हूँ पर दोबारा से मैं इसको पूछता हूँ कि हमारे लिए मेन क्राइटेरिया क्या चीज रहनी चाहिए जब भी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस को देखें कि हाँ ये सपोर्ट है ये रेसिस्टेंस है, एक तो हमने बात कर ली कि कितना टाइम उसने वहां पर स्पेंड किया है और क्या चीज फैक्टर हम देख सकते हैं वो बताइए मुझे, टाइम स्पेंड ये हम बात कर चुके हैं, दूसरा रिएक्शन ये भी कि कितनी तेजी से वो गया है कितनी तेजी से वो उसको ब्रेक किया है, और चीजें क्या हो सकती, रिटेस्ट
लास्ट एक्शन। ओके, और कुछ? न्यूज, न्यूज से वही आपकी वॉल्यूम वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए पहली जो हमने बात करी, हम जब भी हम देखें यहाँ पर, अगर मैं चार्ट में आपको दिखाना चाहूँ, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। ओके, तो पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल टच पॉइंट्स, कि वहां पर कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना उसके मल्टीपल, किसी ने बोला मल्टीपल टच पॉइंट, तो अगर आप यहाँ पर देखें एक बार दो बार दोबारा से मार्केट वहां पर आ रही है, यहाँ पर ये आपकी सपोर्ट थी, पर देखिए कितना फिर यहाँ पर फोर्स कितनी है जब उसको उसको ब्रेक करना होगा, क्योंकि वो स्मॉल फोर्स से उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसको, इस सॉलिड सपोर्ट को ब्रेक करना होगा यहाँ पर, जो इसकी पावरफुल है, क्योंकि वॉल भी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए होगी तो आपको फोर्स भी ज्यादा चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई, दूसरा कि उसने टाइम कितना स्पेंड किया है। तो अगर यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा एग्जाम्पल एक और लिया हुआ है, अगर यहाँ पर इसको आप कहना चाहें मल्टीपल टच पॉइंट्स, या फिर आप कहना चाहें कि यहाँ पर टाइम उसने कितना स्पेंड किया है। राइज यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, चार बार, मतलब कि है तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आप कहना चाहें, पर ये जो एरिया है यहाँ पर उसने कितना स्पेंड किया है। आप कहें कि मैं इसको अगर वॉल बनाना चाहूँ, ये एक तरीके से मेरी यहाँ पर वॉल बन गई है, आप इसको पूरा इस तरीके से जैसे भी ड्रॉ करना चाहें, ये इसकी थिकनेस। तो दोबारा जब प्राइस यहाँ पर आएगा, रिएक्शन के चांसेस ज्यादा हो, तो सेम अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, यहाँ पर आप देखिए सेम यही प्राइस है, दोबारा यहाँ पर गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ तक फोर्स थी, उसके बाद कितना स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब अगर उसके पास फोर्स नहीं रहेगी, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि आपकी ये थी, दोबारा यहाँ तक गया, अगेन डाउन और रिएक्शन नीचे की तरफ। तो जो जितनी सॉलिड आपकी वॉल होगी, वहां पर उसके लिए फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर फोर्स उसके पास नहीं होगी वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कौन सी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होगी, अगर वहां पर इतनी बड़ी उसकी थिकनेस होगी, जितनी ज्यादा वो स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा उसने टाइम स्पेंड किया होगा, तो कोई छोटा वायर इसल उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। वहां पर उसके लिए मार्केट में वॉल्यूम वॉलेटिलिटी ये सब चाहिए होगी, तभी वो ब्रेक होगी, नहीं तो फिर उसके चांसेस नहीं है वो ब्रेक हो, अगर उसकी थिकनेस या उसने ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड किया। तो इससे आइडिया होना चाहिए कि कौन सी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होल्ड करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अब आते हैं मल्टीपल टच पॉइंट्स। मल्टीपल टच पॉइंट्स जो हमने इसमें भी कवर किए थे, पर यहाँ पर भी अगेन, कि जहां पर मार्केट ने बार बार उसको रिजेक्ट कर लिया, यहाँ पर इस एरिया में बार बार रिजेक्ट कर लिया, एक हो गया, दो हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आई, इससे ऊपर गई, मैं इसी एरिया को कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ से एकदम से जस्ट डिप है, तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दोबारा मार्केट ऊपर गई, कहाँ पर आ गया मल्टीपल टच पॉइंट, अगेन यहाँ से फिर उसने बाउंस किया, अब चांसेस क्या है दोबारा मार्केट इस एरिया में आए और दोबारा से फिर आपको रिएक्शन, और आप देखेंगे दोबारा से मार्केट फिर नीचे गई, कहाँ पर, उसी एरिया, अगेन 1 2 3, यहाँ से फिर अगेन चल। तो मल्टीपल टच पॉइंट, जितने मल्टीपल टच पॉइंट्स रिजेक्शन है, कि मतलब वहां पर कोई बायर है या सेलर है जो मार्केट को प्राइस को नीचे ले जाने नहीं दे रहा है, या उसको ऊपर ले जाने नहीं दे रहा है, तो कुछ तो है जो वहां पर वो कर रहा है। तो पहला हमने बात किया कि कितना टाइम स्पेंड करती है, जितना ज्यादा स्पेंड किया होगा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, उसको ब्रेक करने के लिए फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर वो नहीं होगी तो वो ब्रेक नहीं होगी। दूसरा, वहां पर कितने मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, कितनी बार वो उसको रिजेक्ट कर चुका है, तो मतलब वहां पर कोई बायर या सेलर बैठे हुए हैं जो उसको मार्केट को उससे नीचे या ऊपर ले जाने नहीं दे। अब बात करते हैं कि कौन सी हमें कंसिडर करनी चाहिए, कि हम टेल से इसको बनाएं या बॉडी से बनाएं, कौन सी आपको कंसिडर करते हैं। जब भी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस लगाएंगे किसी भी चार्ट पर, तो आप टेल को कौन से, टेल के बेस पे लगाएंगे या बॉडी के बेस पे लगाएंगे, कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर करती है। बॉडी बॉडी बॉडी, सभी कह रहे हैं बॉडी। ओके, चलिए, कोई अगर टेल भी कहे, कोई बॉडी कहे, वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो मैटर करेगा, मैं आपके लिए यहां पर बताना चाहूंगा, ये सेम एग्जांपल है, कि जो एरिया है, आप इसको या तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहें बॉडी, या आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें, ठीक है। हमारे लिए जो होगा वो होगा इंपॉर्टेंट एरिया, आप इस एरिया को कहेंगे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां तक बॉडी गई है, जहां तक डेल गई है। प्राइस ऐसा नहीं है कि बस जस्ट यहीं से रिजेक्ट करेगा, प्राइस इस एरिया के अंदर कहीं पर भी रिजेक्ट कर सकता है, ये नहीं कि जस्ट वो यहीं तक आएगा, यहां तक नहीं आ सकता, या यहां पर आएगा, यहां नहीं जा सकता। हमारे लिए जो होगा वो ये पूरा का पूरा, आप एरिया एक रेंज के ऊपर बात कीजिए, आप ये जस्ट कभी भी कंसिडर मत कीजिए कि ये जस्ट बॉडी है या जस्ट टेल्स है, नहीं तो आपको फिर ये कहेगा कि वहां तक प्राइस गया। चलिए मैं एक चार्ट में एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ,
मुझे बताइएगा जब भी आप चैट देख पाए। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जो आप बोल रहे हैं एक जोन की तरह हमें इसको देखना होगा। क्या आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं? ओके गुड, थैंक यू। यस, चलिए यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर कुछ देखते हैं कि जो भी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस यहाँ पर लगाना चाहते। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बॉडी को हमें कंसीडर करना है, हमें टेल को कंसीडर करना है। मैं कहूंगा आप ना तो बॉडी को देखिए ना टेल को देखिए, आप एक रेंज डिफाइन कीजिए, एक जोन डिफाइन कीजिए कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्राइस ऐसा नहीं है कि जस्ट वहीं पर जाएगा और टच करके एकदम से भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो हमारे लिए जो मैटर करता है ये आपकी बॉडी है, जहाँ पर ये एक दो बार यहाँ पर टच हुआ, ये एक बॉडी हो गई। और अगर मैं इसको टेल को भी कंसिडर करना चाहूँ तो मैक्सिमम पॉइंट ये, तो ये जो एरिया है प्राइस का, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइस यहाँ तक भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा यहाँ तक भी। तो एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर हम इसको आगे देखेंगे मार्केट कैसे जाती है, क्या यहाँ पर टच करेगी या रिजेक्ट करेगी, देखते हैं वो आगे चल। चलिए मार्केट यहाँ से गई, दोबारा डाउन ट्रेंड चला गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं क्या मार्केट दोबारा आती है, क्या रिएक्शन मिलेगा यहाँ पर, कहाँ तक आती है। अब देखिए यहाँ पर आई मार्केट, क्या उसने बॉडी को रेस्पेक्ट किया, क्या उसने टेल को रेस्पेक्ट किया। अगर आप बॉडी टेल के चक्कर में पड़ते तो वहां पर अगेन प्रॉब्लम आती। यहाँ पर जो था हमारे लिए पूरा का पूरा एरिया इम्पोर्टेंट, वहां तक प्राइस गया, एक बार उससे ऊपर गया, दूसरी बार उसी एरिया रेंज में। आप यहां से देख सकते हैं रिजेक्शन पूरा, अगेन मार्केट नीचे, फिर दूसरी बार कहाँ रिजेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एक रेंज, ये एक एरिया आपको उसको वेटेज देंगे। आगे चले, क्या दोबारा से मार्केट का रिजेक्शन होगा, आप देखिए अगेन। अब जब यहाँ पर ये इसको ब्रेक करेगा, यहां से प्राइस गया, अब देखिए यहाँ पर ये दो तीन बार, पहले हमारी वहां थी जहां से हमने स्टार्ट किया, दोबारा यहाँ पर रिजेक्ट किया, तीसरी बार यहाँ पर रिजेक्ट किया, चौथी बार यहाँ पर रिजेक्ट किया। तो हमारी जो गोल है वो बनती चली जा रही है, ठीक है ना, मल्टीपल टच पॉइंट्स हो गए हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। कोई छोटा मोटा बायर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसके लिए इसको सॉलिड पावर चाहिए होगी, और वो सॉलिड पावर नहीं होगी इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। प्राइस यहाँ से गया, पावर थी ओके, फिर तो ये देखिए यहाँ पर गया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया अगेन, फिर सेलर नीचे, फिर ये देखिए ये कैंडल सबसे बड़ी है यहाँ पर, अगर आप देखिए इसको तब इतनी फोर्स इसको चाहिए होगी तब ये इसको ब्रेक कर पाए। तो मेमोरी यहाँ पर मतलब कि मेमोरी है, जो हमने कार का एग्जांपल दिया था वही आप यहाँ पर कंसीडर करें। और उसके बाद देखिए अगेन जब मार्केट दोबारा वहां पर आई, कहां पर आई, सेम अगेन एरिया, ना कि वो डेल या ना कि वो बॉडी, कहां पर, उसी रेंज के अंदर। फिर अगेन दोबारा से आपका मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन। अब कहां पर है मार्केट, या करंट प्राइस आपका चला हुआ है, कहां पर वो सपोर्ट ले रही है, सेम इसी रेंज एरिया में जो हमने डिफाइन किया था। तो टेल और बॉडी को कंसिडर मत कीजिए, एक एरिया को डिफाइन कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आपको प्राइस। आप अगर मैं यहां पर इसको एंट्री के लिए सोच दूं, उसके बाद वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ये क्या हो, तो कभी भी स्टॉप लॉस जस्ट इसके बाद ये मत कीजिए, क्योंकि रेंज को डिफाइन कीजिए, उसके नीचे लगाइए जब भी आप एंट्री करते। हम इस एग्जाम्पल को और देखते हैं, अगर हम और लगाना चाहे, हमने कहाँ पर लगाया था पहला पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट था। चलिए हम नीचे का एरिया भी देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें ये टेल और ये आप दिख रही है, चलिए एक और ड्रॉ करते हैं। कहते हैं कि ये हमारी बॉडी है और ये हमारी टेल हो गई, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। थोड़ा एरिया हम इसको ये डिफाइन कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमें कन्फ्यूजन ना हो, जो हमने पहला कलर लिया था इसको हम रेड कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या ये यहाँ पर अब रिएक्शन देती है या नहीं, कहाँ पर देती है। चलिए देखते हैं प्राइस कहाँ पर गया, यहाँ पर आई प्राइस, यहाँ पर आया अगेन, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, दोबारा नीचे एकदम से डिप, कुछ ब्रेक नहीं हुआ। अगर एक ब्रेक होने का मतलब है उसके बाद नीचे लो, अगेन दोबारा नीचे गई, नहीं ब्रेक होने दिया, फिर सॉलिड ब्रेक किया, पर अगेन बायर ऊपर, तो ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पर। एरिया कौन सा है, यही है। अगेन आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर आया, क्या देख सकते हैं, अगेन सेम एरिया, यहीं पर आपको रिजेक्शन। अगर यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो फिर अब सपोर्ट कहाँ पर ले रही है, सेम उसी एरिया में।
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए कितने मल्टीपल टच पॉइंट्स और इसकी मेमोरी कितनी यहाँ पर सॉलिड होती चली जा रही है। अगेन यहाँ पर देखिए इसी एरिया में यहीं से जंप किया, फिर कहाँ पे अगेन देखिए प्राइस कहाँ पर गया अगेन। अब कहेंगे ये तो बॉडी वाला हो गया। अब ये आपको देखना है, अगर आप बॉडी को कंसिडर करना है या टेल को, मैं नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ जैसा आपको बोल रहा हूँ एक एरिया डिफाइन लेना है और उसके बेस पे डिसीजन लेना। जितने मल्टीपल टच पॉइंट्स होते जाएंगे उसको ब्रेक करने के लिए वहां पर फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, कोई फिर आराम से उसको कोई बिना न्यूज या वॉलिटिलिटी के उसके उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, क्या और कुछ हमें यहाँ पर मिलती है और कोई रिजेक्शन। अगेन देखिए फिर कहाँ पर सेम एरिया में कितनी बार वहां पर आपको उसको रिजेक्शन दे रहा है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे कहाँ पर। फिर आप ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे कौन सी ड्रॉ करनी है कौन सी ड्रॉ नहीं करनी। आप अगर एक लाइन को हटा देंगे फिर तो आपको ये तो प्राइस उससे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ ये तो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, एक बार ब्रेक कर दिया दो बार ब्रेक कर दिया ये इसके नीचे भी गया, कौन सा कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो कहीं पर वो आ रही है, ये ऊपर हैंग लटके हुए हैं, ये इसको सपोर्ट को ले रही है नहीं ले रही, आपको कंफ्यूजन रही। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग देखेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। सिंपल रखिए कि दोनों चीजों को कंबाइन करके चलेंगे तो बेटर रहेगा, आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आप अपने स्टॉप लॉस को वाइडर भी कर पाएंगे जब भी आप एंट्री लेंगे। उसके बाद क्या दोबारा से फिर नहीं, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी जब भी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ड्रॉ करें और उसको कंसिडर। अब चलते हैं हम अपने डेक में, तो यहां पर जस्ट समराइज करने के लिए आपको जो मैंने आपसे पॉइंट की है, हमें तीन या चार पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी आप देखें। पहली चीज क्या है जो हमने बात की आज, जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि सब सब मेरे साथ बने हुए हैं, सब सीखे हैं या नहीं सीख रहे हैं या कुछ ऊपर से जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या हो रहा है, जब भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए देखें जस्ट टाइप कीजिए। अगर सब मेरे साथ हैं पहला पॉइंट क्या देखेंगे, जब भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए देखें, पहला पॉइंट हमने क्या बात की, कार का एग्जाम्पल हमने लिया था, कार के एग्जाम्पल पे पहले पॉइंट पे पहले वहीं पर आई। मैं यहाँ पर जस्ट रिपीट करना चाह रहा हूँ कि सब मेरे साथ है, बिल्कुल टाइम टाइम पहली चीज थी, टाइम कितना स्पेंड किया है, कहाँ पर उसने रोका है उसको, अगर वो स्पीड ब्रेकर था या वो लाइट थी या फिर पुलिस वाले थे, वहां पर कितना टाइम स्पेंड किया। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उसकी वैल्यू उतनी पर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है मेमोरी अगर आप कहना चाहें उतनी मेमोरी, दोबारा जब वहां पर जाएगा वहां पर वो मेमोरी याद रहेगी। जस्ट मैं पुलिस वाले के एग्जाम्पल, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए थे दोबारा, तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा चीज हमने क्या बात करी थी कि बार बार वहां पर जाकर वो क्या करे, दूसरा पॉइंट बताइए मुझे। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर आए हैं मेरे साथ आए सीख के जाएं, ये नहीं कि बस मैंने एक बार रिपीट किया और आप तो याद ही नहीं। दूसरा बिल्कुल ठीक, रिटेस्ट रिजेक्शन मल्टीपल टच पॉइंट्स, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा वहां पर बायर है सेलर है जो उसको प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने नहीं दे रहा, उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा रही। और तीसरा फिर जब अभी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ड्रॉ करें तो वहां पर फिर आपको क्या देखना होगा, क्या बॉडी देखेंगे या विक को देखेंगे, एरिया जोन बोथ, बिल्कुल दोनों चीजों को साथ में लीजिए ताकि जब भी आप सपोर्ट आप स्टॉप लॉस लगाएं या अपना टारगेट प्रॉफिट रखें तो एक जोन के बारे में देखें, उसका माइंड में हमेशा याद रखें। तो एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी यहाँ से याद नहीं रहा है तो ये चीजें जो है इस वेबिनार से अपने साथ लेके जाइए और इस चीज को अप्लाई कीजिए, आपको दिखेगा कि आपकी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लगाने में कितना फर्क पड़ गया। ठीक है सभी को क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल गुड, थैंक यू। जस्ट गाइज यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि जस्ट ये टिक मिल ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है वेबिनार को, तो उन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। ये उनकी ब्रोकर की वेबसाइट है, क्या उनकी वेबसाइट को देख पा रहे हैं, जिसमें एक दो मिनट यहाँ पर बताना चाहूंगा उनके बारे में। ओके
इन्होंने काफी नई चीजें, न्यू सीएफडी स्टॉक्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड की हैं जो पहले नहीं थी। वहां पर कमीशन भी इन्होंने कम कर दिया है और काफी नई चीजें, आप सीएफडी ट्रेड कर सकते हैं, आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं स्टॉक्स में ही बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्होंने कमीशन है, कोई कमीशन नहीं है। एजुकेशन स्पीड क्या है, सारा कुछ, लीवरेज कितना ले सकते हैं, कौन से स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, सभी की लिस्ट, सबके इकोनॉमिक कैलेंडर दिए हुए, कब इनकी डेट आने वाली है, इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, वो सब चीजें यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट में नई चीजें ऐड की हुई है। और कैसे कैसे स्टॉक्स को ट्रेड करना है, अगर डिविडेंड आने वाला है या एक्स डिविडेंड है, अगर अपने स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको दी हुई है कि और कितना डिविडेंड वो पे कर रहे हैं उस हिसाब से, और कब ट्रेडिंग आवर के टाइम है उनके, वो सभी यहाँ पर एक ही जगह पे आपको सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। और ये सब चीजें यहाँ पर ये ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप इनका स्प्रेड अगर आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि स्प्रेड इनका कितना टाइट ये और कितना ये आपको देते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहता था। अभी क्या होगा, मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं वो लेना चाहूंगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो नहीं करते हैं तो जस्ट ये वेबिनार अगर आप मिस कर गए हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो ये यूट्यूब का वेबिनार आपको 1 या 2 हफ्ते में अपने यूट्यूब पर डाल दूंगा। ये जो वेबिनार हम किया है वहां पर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। जब ये आप देखेंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे forexsalary.india@gmail.com पर रीच आउट कर सकते हैं, या फिर मुझे सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो फॉरेक्स सैलरी का कनेक्ट का पेज है वहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अगर आपको अकाउंट खोलना है, मेरे अंडर भी खोलना है, तो आपको कोई इश्यू आता है ब्रोकर से रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट विड्रॉल में, तो सभी जो लिंक है, अगर आपको अकाउंट मेरे अंडर में खोलना है, यूट्यूब के वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से खोल सकते हैं। उसके बाद कोई इश्यू आता है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आज के वेबिनार से रिलेटेड है। सर, वीडियो की रिकॉर्डिंग कब अवेलेबल होगी? देखिए, जो इस वीक है, मैं जो पिछले वेबिनार की है वो वहां पर डाल दूंगा, और उससे नेक्स्ट वीक में इस वेबिनार की, तो 1 वीक पीछे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले वीक की ऑलरेडी है वहां पर, दूसरे वीक की सप्ते आ जाएगी, सैटरडे या संडे को। सर, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो अभी बनाया था रिसेंटली, जब अकाउंट कैसे ओपन करना है, उस वीडियो को देखिए, और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कैसे हो रहे हैं। आपको आईडी देनी है, किस तरीके से देनी है, और एड्रेस प्रूफ देना है, आपको बैंक की स्टेटमेंट देनी है लेटेस्ट 3 मंथ की, वहां पर आपका नाम मैच होना चाहिए जो वहां पर आपने दिया है, एड्रेस आपका मैच होना चाहिए, बैंक का लोगो, और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी रिजेक्शन हो रहा है, मेरे को ईमेल में कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं वहां पर आपको हेल्प। ओके, चेतन पावर जी, सर जोन कितने पिप का मिनिमम होना चाहिए? 4 आवर में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि कितने पिप का होना चाहिए, आपको देखना है बॉडी और विक कितनी है और कितनी बार वो उसको टच कर रही है, तो मल्टीपल टच पॉइंट्स, कितनी थिकनेस है, वो 5 पिप्स हो सकता है, वो 10, वो डिपेंड करता है, वो टाइम फ्रेम पर नहीं है, वो बॉडी की लेंथ और उसकी हाइट पर डिपेंड करेगी। दनेश जी, हाई सर, जस्ट मैं देखता हूँ। हाय सर, आई ट्रेड इन 5 एंड 15 मिनट्स, सो फॉर ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हाट टाइम फ्रेम शुड आई चूज? थैंक यू। अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट का देखते हैं, तो ऑलवेज चूज हाई टाइम फ्रेम, जितना भी ऊपर का टाइम फ्रेम लेंगे उसकी वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, वो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा रेदर देन की छोटे टाइम फ्रेम। प्रतीक मिश्रा जी, सर आई एम यूजिंग 1:500 लीवरेज, इज इट गुड? देखिए प्रतीक मिश्रा जी, अगर आपको पता है आप कितना रिस्क ले रहे हैं एक सिंगल ट्रेड पर, तो लीवरेज आप 500 या 1000 या 2000 जितना ले सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड पर इतना लूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री ले ली, लीवरेज का पता नहीं और रिस्क कितना होगा, कितना लगाया वो भी नहीं पता, और एक ये ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट हो जाएगा। तो आपको रिस्क का पता है, आइडिया है कि इसमें इतना मैं लूज कर सकता हूँ, फिर तो लीवरेज आप 500 लेना चाहिए, 200 ले लें, 2000, पर आपको आइडिया नहीं है, फिर आपको रिस्क को मैनेज करना होगा, फिर तो आपको लीवरेज को भी अपना जितना कम कर सके उतना बेटर। भीम राव जी, मार्केट सेशन फॉरेक्स को कैसे इम्पैक्ट करता है और किस टाइम ट्रेड करना सही है मार्केट सेशन के हिसाब से? क्योंकि मार्केट सेशन के हिसाब से बहुत इम्पैक्ट रहता है कि कब मार्केट में वॉल्यूम है, वॉलिटिलिटी है, जब मार्केट डेड रहेगी आप भी ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो आप ट्रेड एंट्री ले ली आज कर ली इस टाइम पर, पूरे 3-4 घंटे कहीं मूव ही नहीं हो रही, एक ही जगह पे वो लगी हुई है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए मार्केट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मार्केट अगर हम फॉरेक्स में यहाँ पर डिवाइड करना चाहें, केवल 3 ही सेशन होते हैं आपके, एशियन सेशन, फिर आपका आता है यूरोपियन सेशन, और फिर आता है आपका यूएस सेशन, यहाँ पर आपकी अमेरिका की मार्केट खुलती है। तो मॉर्निंग सेशन आपका रात के 2:30 बजे से, जो हमारे इंडिया के टाइम से है, 2:30 बजे से आपका 10-10:30 बजे तक, ये आपका एशियन सेशन चलता है। तो इस सेशन में आप कम ही ट्रेड कीजिए, अनलेस, और या फिर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जेपीवाई इनमें ट्रेड कर सकते हैं।
आप लंदन सेशन या यूरोपियन सेशन जो 12:30 बजे क्या बाद खुलना शुरू हो जाता है आपका यूरोप का और लंदन का, उस टाइम पर आप ट्रेड कर सकते हैं, तब आपकी वॉल्यूम वॉलिटी ज्यादा है, तो वो में कर सकते हैं, या फिर यूएस सेशन जो 6-7 बजे के आसपास वो खुलता है वहां पर ट्रेड कीजिए। तो 12 बजे के बाद कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, रात के 10 बजे वो आपके लिए बेटर। प्रतीक मिश्रा जी, इफ आई एम यूजिंग सेम लेवरेज इन डिफरेंट ब्रोकर सो वैल्यू ऑन पिप्स विल बी सेम। देखिए हर एक ब्रोकर का अपना एक स्प्रेड होता है, तो इसलिए प्राइस भी मैटर नहीं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये ब्रोकर कुछ प्राइस दे रहा है और वो अपना स्प्रेड ऐड करेगा, किसी ने 5 स्प्रेड दिया हुआ है, दूसरे ने 6 स्प्रेड दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस भी रहेगा, तो पिप्स में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में डिफरेंस रहेगा, पर ज्यादा नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कितना स्प्रेड है उस पेयर में उन दोनों ब्रोकर। ओके भीमराव, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। जो Q&A में पूछ रहे हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। तुषार भुटाकर जी, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर मैं ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहता हूँ, 1 दिन से ज्यादा होल्ड करता हूँ, आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आप 4 आवर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। पर अगर मैं सेम ही डे पे इसको क्लोज करना चाहता हूँ, आज ही मुझे बुक करना है, तो आप फिर 1 आवर में जा सकते हैं, 15 मिनट्स में इन टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। प्रतीक मिश्रा जी, सर वन मोर थिंग, यू आर ग्रेट पर्सन। थैंक यू प्रतीक जी, आई होप आपको कुछ हेल्प मिले जो भी, जब भी आप मेरे साथ ज्वाइन करें, ऐसा ना हो कि कभी भी मुझे ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पर आपको लेके आया, आपने मेरे साथ 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट किया, कुछ सीखने गए, कुछ आए और फिर फायदा नहीं। मैं अपनी प्रिपरेशन करके आता हूँ और आपको कुछ सिखा के जाऊँ, कुछ सीख के जाएं, कुछ लेके जाएं अपने साथ और अप्लाई करें प्रैक्टिकली, ये नहीं कि जस्ट थियोरेटिकली उसको मैं बताता जाऊँ और आप वैसे ही देखते हैं, जो भी हो आप उसको अप्लाई करें। तो थैंक यू आपकी फीडबैक की। ओके क्वेश्चन सर, 6 जून को बेसिलिटी से। ओके चेतन पवार, थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी। ओम प्रकाश सर, 2 या 3 आवर टाइम फ्रेम इज वैल्यूएबल और नॉट? 2 and 3 hours टाइम फ्रेम, देखिए स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम नहीं है 2 and 3 hours, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड है आपके 5, 15, 1 hour, 4 hour या फिर डेली, आप उसको 8 आवर में भी देखना चाहें, आप 6 आवर में भी देखना चाहें, 3, 2, पर वो स्टैंडर्ड नहीं है उसको देख। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक विंडो है प्राइस, उसको किस तरीके से देखना चाहें आपके ऊपर, अगर आपने पॉडकास्ट सुना होगा तो मैंने बताया था कि आप ब्रैकेट में उसको कवर करते जा रहे हैं, आपका नजरिया किस तरीके से, प्राइस जगह पर सभी जगह पर सेम ही रहेगा, तो जो जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड करें उस पर स्टिक रही। नरेश कुमार जी, सर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में 20 से 30 पिप स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, आपके हिसाब से कितने पिप का एवरेज स्टॉप लॉस होना चाहिए? 20 से 30 पिप ठीक है, डिपेंड करता है कि उस टाइम में उस पेयर्स में कितनी उसकी रेंज है। ठीक है, मैंने अभी एक आपके साथ वेबिनार किया था, एक नहीं वेबिनार नहीं एक वीडियो बनाया था मैं, और उसमें इंडिकेटर के बारे में बात की थी मैंने, जो आपको रेंज डिफाइन करता है, जिसका नाम है ATR। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस ATR वीडियो को देखिएगा, कि उससे पता चल जाता है कि जो मार्केट की मूवमेंट है वो कितने पिप्स की है उस टाइम फ्रेम में उस पेयर्स में। तो अगर मैं स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट हिट करूं तो उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, वो ATR का वीडियो है, उसको दोबारा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि 30-30 पिप। फिक्स मत रखिए, फिक्स नहीं रखना है, क्योंकि इस टाइम पर न्यूज ज्यादा है वो 50-60 पिप्स की मूवमेंट होगी, इसी टाइम पर मूवमेंट ज्यादा नहीं है वो 20-30 भी है, तो फिक्स मत रखिएगा। यहाँ पर 2+2=4 कभी नहीं होगा, मार्केट डायनेमिक है, ये मैथ नहीं है, तो यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इस चीज को डिफाइन कर। लेकिन आप ATR यूज कर सकते हैं और ATR के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। मिश्रा जी ऑफ कोर्स ऑलवेज हेल्पफुल, थैंक यू मिश्रा जी। ओम प्रकाश जी, ओके चलिए क्वेश्चन भी क्लियर। एक और क्वेश्चन है प्रमोद बनाकर, सर अगर बाय मिस्टेक स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कितना लॉस हो सकता है? जितना लॉट साइज लिया है पूरा जा सकता है? अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और मार्केट आपके अगेंस्ट में चली गई, तो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है वो पूरा का पूरा उठ सकता है, अगर आपने पोजिशन पूरी बहुत बड़ी लगाई। अगर अगेंस्ट नहीं गया है, अगर जब तक बैलेंस है वो चलता रहेगा, ठीक है ना, ये प्रॉफिट में है ठीक है, पर उसमें चांसेस ये है कि आपको पूरा अकाउंट भी उड़ सकता है अगर आपने पोजीशन बहुत बड़ी ले ली, तो इतना रिस्क आप इसको गैम्बलिंग मत कीजिए, दो चीज डिफरेंस रखिए। एक चीज होती है गैम्बलिंग, एक होती है आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जाओ। जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि मैं इस चीज में 50 या 100 रुपए लगा रहा हूँ, तो इन रिटर्न एटलीस्ट मुझे
कितना यहाँ से पैसा आएगा। ये नहीं कि मैं हजार के हजार इस पर लगा दे रहा हूँ, अब जैसे आंख बंद करके बैठ जाऊँ, अब ये ऊपर जाए चीजें देखते हैं, वो हो जाएगी फिर गैम्बलिंग। आप सट्टा बाजार या इस चीज में मत जाइए, इसको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये नहीं कि जस्ट लगा दिया एक चीज पे, स्टॉप लॉस लगानी है, वो कहाँ जाए, वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। आपके ट्रेड प्रॉफिट में भी हिट हो सकते हैं, आपके प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, पर लॉस पे आपके बहुत बढ़ जाएंगे, उस चीज को फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी मीटअप प्लान देखिए अभी नहीं है, फ्यूचर जरूर करेंगे। काफी चीजें अभी डेवलपमेंट में है, काफी चीजें नई चीजें मैं आपके लिए लेके भी आऊंगा, वीडियो में भी देखेंगे जून जुलाई में ऑनवर्ड्स, और फिर आगे प्लान करेंगे अगर मीटअप का भी हम कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, जस्ट हम 5 मिनट और देखते हैं, अगर आपके कोई डाउट है। नरेश कुमार जी, सर आपकी मूविंग एवरेज की स्टडी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, पर्सनल यूज के बाद कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू नरेश जी। जो चीजें मैं सिखाता हूँ या स्ट्रेटजी या जो भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जिनको मैं यूज करता हूँ, जिनको मैंने टेस्ट किया हुआ है, जिनसे मुझे रिजल्ट मिलते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं स्ट्रेटजी दे दी, उसको मुझे पता ही नहीं है आइडिया क्या है, जिससे कुछ रिजल्ट मिले हैं वही चीजें आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपको उससे रिजल्ट मिल सके। तो थैंक यू आपकी फीडबैक के लिए, आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हनुमान जादव जी, मार्केट में एंट्री कब लेनी है? हनुमान जी, काफी वीडियो बनाए हुए हैं स्ट्रेटेजी के, हमने अभी 2 वीडियो बनाए थे, हमने 2 वेबिनार किए थे, क्या आप हमारे साथ जुड़े थे? वहां पर एंट्री के लिए ही बात की थी, स्टॉप लॉस के लिए ही बात की थी कि कैसे एंट्री करनी है। अगर वो नहीं देखे हैं, पहला वेबिनार ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो जाके देखिए कैंडलस्टिक का, और दूसरा इस सैटरडे संडे आ जाएगा, उसको देखिएगा। तो एंट्री वहां से क्लियर होनी जानी चाहिए आप। ओके हनुमान जी, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। ओके सर, रिवर्सल कैंडल पे जोन ड्रॉ कर ठीक होगा? मैं समझ नहीं पाया सकुन जी आपका क्वेश्चन। एनी अदर स्ट्रेटजी ऑन फिबो रेशो? देखिए फिबो के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसमें हमने बात की हुई है स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है? उसके ऊपर आने वाले दिनों में हम जून में या जुलाई में वेबिनार करेंगे, 2 वेबिनार करेंगे वहां पर, तो उसमें उसके ऊपर आपको डिटेल में और चीजें पता चलेंगी। ये डिटेल टॉपिक है, तो वहां पर हम उसको कवर करेंगे, पर आपको एक वीडियो तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। स्ट्रेटजी के ऊपर ऑलरेडी मेरे कम से कम 8-10 वीडियो ऐसे ज्यादा ही होंगे, कुछ इंडिकेटर से रिलेटेड है, कुछ कैंडलस्टिक से रिलेटेड है, तो उन सभी को आप कंबाइन करेंगे, सभी से रिजल्ट मिलेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं, सभी से कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कीजिए क्या आपको सूट करता है, उसको ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। ओके हनुमान जी, थैंक यू। रिवर्सल कैंडल पे जोन ड्रॉ करना ठीक होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, रिवर्सल कैंडल पे भी जोन कर सकते हैं, पर जस्ट एरिया को डिफाइन कीजिएगा, ठीक है? उस एरिया को पूरा डिफाइन करके रखिए कि ये जहां से, अगर वहां पर फोर्स है, उसने उसको फोर्सफुली उसको ब्रेक किया है, डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नरेश कुमार जी, सर गोल्ड पे स्पेसिफिक वीडियो कब आ रहा है? आएगा उसके ऊपर भी, पर जो भी स्ट्रेटजी है सभी गोल्ड सिल्वर ऑयल और फॉरेक्स में आप सभी जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपको मिलेंगे। पर गोल्ड के ऊपर भी हम एक स्पेसिफिक वहां पर कवर करेंगे, एक वेबिनार पूरा वहां पर, और थोड़ा हम फंडामेंटल्स को उसको भी कवर देखेंगे, उसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, 1-2 मिनट और है, हम और देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपके। और YouTube पर अगर आप इसको देखें तो प्लीज शेयर कीजिए, जिससे जो भी आप इसमें इंटरेस्टेड हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर सभी के रिप्लाई करता हूँ, सुन और लेटर आपको रिप्लाई मिलता है। और आपको कोई डाउट होता है आप मेरे को ईमेल में भी रीच आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको रैपअप करते हैं, और धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया, और होपफुली आप कुछ साथ लेके जा रहे होंगे, आप कुछ सीख रहे होंगे और उसको अप्लाई करेंगे। जो अभी तक 3 वेबिनार किए हैं आपको, स्ट्रेटजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी तक हमने बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया, आप इसको अप्लाई करेंगे और सीखा है, और लास्ट वाला हमारा हेड एंड शोल्डर है, वहां पर स्ट्रेटजी के ऊपर एक और बात करेंगे, वहां पर भी आप सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वेबिनार में, जो ट्यूजडे को होगा 31 मई को। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।